मैं भोपाल बार स्टेट में सीनियर अधिवक्ता हूँ। थाना कमला नगर के प्रभारी मिस्टर विजय सिसोदिया, उनके यहाँ दो अपराध जो वकील साहब के चल रहे हैं 2018 से चल रहे हैं, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उस पर न्यायालय ने कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा तो एक जूनियर अधिवक्ता उनके थाने में नोटिस लेके गया तो उस अधिवक्ता को उन्होंने अपमानित किया और थाने से बाहर भगा दिया। ये वकील समुदाय का अपमान है। मैं विजय भदौरिया जी, सिसोदिया जी, जो भी हैं थाना प्रभारी कमला नगर को स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ। राजकुमार पांडे मेरा नाम है, मुकदमे एक नहीं 1000 दर्ज कर लेना, लेकिन किसी भी जूनियर का यदि अपमान किया ये किसी भी दशा में भोपाल बार एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। केस अपनी जगह है, कार्रवाई अपनी जगह है, थाना अपनी जगह है, न्यायालय अपनी जगह है, लेकिन किसी भी जूनियर अधिवक्ता का अपमान किया गया तो ईंट का जवाब वकील पत्थर से देंगे। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत निंदनीय है। हम कोर्ट का काम कर रहे हैं, हम पाबंद हैं कोर्ट का काम करने के लिए। हमारा प्रतिनिधित्व करके हमारा जूनियर यदि थाने जाएगा और उसको अपमानित किया गया तो मतलब सीनियर को अपमानित किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा वकील समुदाय। इसके लिए सारे ये चिट्ठी जो देने गया था वो ये मैं आप लोगों को भेंट देता हूँ। इसमें देश के प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, हमारी बार एसोसिएशन ने, DGP ने और देश का प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में गृह मंत्री, DGP सबको जानकारी है। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही है कि वकीलों का अपमान किया जा रहा है लगातार। हर जहां से देखो सिर्फ एक शिकायत आती है कि थानेदार वकीलों का सम्मान नहीं करता। हम कहते क्या बिगाड़ा है वकील ने, बिगाड़ा क्या है आपका, क्या ले लिया आपसे, क्या छीन लिया आपका, क्यों अपमान करते हैं आप उसका बार बार? क्या चाहते हैं अभी आप? उस TI को तत्काल सस्पेंड किया जाए और वकील ने जिस वकील का अपमान किया वो माफी मांगे। ये गलत बात है, हमारा विनम्र निवेदन है। अगर नहीं किया गया तो? नहीं किया तो विधानसभा घेराव करेंगे हम। ये शासन को, प्रशासन को ही बताएंगे। ये हमारा घर का काम नहीं है मिस्टर विजय, घर का काम नहीं है ये, आप समझ जाइए। ये कोर्ट कचहरी के काम कोर्ट कचहरी में कीजिए और पहलवानी काम के लिए ये हम भी उतार देते, तुम भी उतार दो, आ जाइए। ये गलत बात है। आप न्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक प्रक्रिया की तरह निपटाइए और वकील का सम्मान कीजिए। ये आपके DGP साहब, आपके गृह मंत्री जी भी हजारों बार हमारे यहाँ मीटिंग में आके कह चुके हैं, वकील का अपमान बिल्कुल मत करिए। वकील आपसे कोई आशा नहीं रखता, कोई चाह नहीं रखता आपसे। वो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया के तहत आपके पास आया, उसका सम्मान करें, आदर करें। राजकुमार, वकील है।